एनएसआई आई यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस चैनल का हर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब में क्लिक करें। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे फोटो में फोटो फ्रेम कैसे ऐड कर सकते हैं और आपको ये सारे बना के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिक ऑन ब्राउजर, गो टू गूगल एंड क्लिक ऑन इमेज, सर्च फोटो फ्रेम पीएनजी। यहाँ आपको बहुत सारे पीएनजी फ्रेम दिखाई देगा। हम इसमें से किसी एक को डाउनलोड कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो राइट क्लिक कीजिए, इमेज के ऊपर सेव एज ऑप्शन में क्लिक करना है। इस पीएनजी फाइल को डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। क्लिक ऑन सेव। ओके, ये सेव हो गया डेस्कटॉप में। इसे फोटोशॉप में ओपन करना है तो राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड ओपन विथ फोटोशॉप। ये फोटोशॉप में ओपन हो गया। अभी एक फ़ोटो ले लेते हैं फोटोशॉप में। मूव टूल में क्लिक करना है। अभी इस फोटो को खींच के ले जाएंगे फ्रेम वाला फोटो में, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नेक्स्ट फोटो को फ्रेम के साथ एडजस्ट करेंगे तो इसके लिए एडिट ऑप्शन में जाना है और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में क्लिक करना है। अभी कीबोर्ड में एल्ट शिफ्ट प्रेस करके माउस क्लिक से फोटो को थोड़ा बड़ा करना है, फ्रेम के साथ एडजस्ट करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। जैसे दिखने में अच्छा लगेगा तो एंटर दबाना है। नेक्स्ट लेयर्स ऑप्शन में फ्रेम वाला लेयर को फोटो वाला लेयर के ऊपर ले जाना है माउस क्लिक से। अभी लेयर वन का फोटो को थोड़ा और एडजस्ट करना है फ्रेम के साथ। मूव टूल के जरिए माउस क्लिक से ये एडजस्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप एडिट ऑप्शन में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके और कीबोर्ड में एल्ट शिफ्ट प्रेस करके माउस क्लिक से छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेम के साथ। बहुत अच्छा तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जब हो जाएगा एंटर दबाना है। ठीक है, ये फाइल हो गया। अभी इसे सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल ऑप्शन में जाना है, यहाँ सेव एज में क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट को चेंज करके जेपीईजी रखना है। और फाइल नेम कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं। इसे हटा लेते हैं तो यहाँ फोटो 2 दे देते हैं और डेस्कटॉप में सेव करना है। सेव में क्लिक करना है, यहाँ क्वालिटी 8 कर देते हैं, हाई क्वालिटी हो जाएगा। ओके डन। अब डेस्कटॉप में देख लेते हैं फोटो। ओके, तो पीएनजी वाला फ्रेम कैसे ऐड करते हैं हमने देख लिया। अब जेपीजी फ्रेम कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से पीएनजी को हटा के एक बार में चार्ज करते हैं। यहाँ जेपीजी फॉर्मेट में बहुत सारे फ्रेम दिखाई देगा, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ इमेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और सेव इमेज एज ऑप्शन में क्लिक करना है। अभी ये देखिए जेपीजी इमेज है, इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में। ये डेस्कटॉप में सेव हो गया। इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। ये फोटोशॉप में ओपन हो गया फ्रेम। इसे सबसे पहले अनलॉक करना है, डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे अनलॉक करने के लिए। ओके, ये अनलॉक हो गया। अभी देखिए व्हाइट वाला पोर्शन को हटाएंगे अंदर से, तो इसे रिमूव करने के लिए पेन टूल में क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये क्लिक करते जाइए और लास्ट क्लिक फर्स्ट क्लिक के ऊपर होगा। अभी जब हो जाएगा तो कंट्रोल एंटर दबाना है। इसके बाद एडिट ऑप्शन में जाके कार्ड में क्लिक करना है। ये देखिए अंदर वाला पोर्शन हट गया है, व्हाइट वाला पोर्शन हट गया है। अभी बाहर का जो हिस्सा है इसे मैजिक वन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन मैजिक वन टूल एंड क्लिक ऑन व्हाइट कलर, तो सारे व्हाइट कलर एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद एडिट ऑप्शन में क्लिक करके कार्ड में क्लिक करना है। अभी हमारा फ्रेम रेडी हो गया, इसे सेव करना है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। तो फाइल में क्लिक कीजिए, सेव एज ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं फ्रेम 1 दे दिया और फॉर्मेट में पीएनजी रखना चाहिए। तो ओके, ये पीएनजी फाइल सेव हो गया। अभी दोबारा ये पीएनजी फाइल को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप में सेव है, डेस्कटॉप से ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेम 1 दिखाई दिया ओपन, ये पीएनजी फाइल ओपन हो गया। अभी एक फ़ोटो ले लेते हैं, फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। मूव टूल में क्लिक करके इसे फ्रेम के ऊपर ले जाते हैं। इसे एडजस्ट करना है फ्रेम के साथ, लेकिन इसे पहले हटा देते हैं कंट्रोल टी। अभी माउस क्लिक से इसे फ्रेम के साथ एडजस्ट करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। जैसे दिखने में अच्छा लगेगा तो एंटर कीबोर्ड में एंटर दबाना है और नहीं तो यहाँ क्लिक करना है। नेक्स्ट लेयर 0 को लेयर 1 के ऊपर ले जाना है। इसके बाद माउस क्लिक से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अंदर। जब हो जाएगा तब फाइल को सेव करना है। फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन में क्लिक करना है, फॉर्मेट को जेपीईजी देना है और यहाँ फाइल नेम कोई भी दे दीजिए, सेव ऑप्शन में क्लिक कीजिए, क्वालिटी हाई दे दीजिए, डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा।
और ये हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एनएसकेआई।